नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। ईरान इजराइल के बीच की आपसी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। लगता है कि दिल्ली में 9 साल पुरानी साजिश फिर से दोहराई जा रही है। 2012 के दिल्ली धमाके में ईरान का हाथ सामने आया था, जब इजरायली दूतावास की कार में बम लगाया गया था। एक बार फिर इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ और ईरान का कनेक्शन सामने आया। इसी सिलसिले में छानबीन की जा रही है कि आखिर पिछले एक महीने में कौन कौन ईरानी नागरिक भारत आया। इस बीच पत्रकार आदित्य राज कौल ने अपने ट्विटर पर उस आतंकी की चिट्ठी को शेयर किया है जिसने भारत में इजराइल दूतावास के बाहर हमला बोला। ये पत्र भारत में इजराइल दूतावास में राजदूत डॉक्टर रॉन मलका के नाम है। इसमें कहा गया है, हम तुम्हारी जिंदगी कभी भी कहीं भी खत्म कर सकते हैं। आतंकी ने लिखा कि दूतावास के बाहर हुआ हमला सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया है कि हम तुम पर कैसे निगरानी बनाए हुए हैं। आतंकी का पत्र में कहना है कि इजराइल उनके निशाने पर है, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। इजरायली चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो उनकी जिंदगी कभी भी कहीं भी खत्म कर देंगे। इसमें यह भी लिखा है कि वो इजराइल के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना चाहते हैं, मासूमों का खून नहीं बहाना चाहते। धमकी देने के अंदाज में ये लिखा गया कि याद रखना, इजरायली आतंकी विचारधारा के हर प्रतिभागी और सहायक को अस्तित्व में नहीं रहने दिया जाएगा। हमारे जाबाजों द्वारा बड़े बदले के लिए तैयार हो जाओ। इस पत्र के अंत में ईरानी सेना के अधिकारी कासिम सुलेमानी, ईरानी नेता अबू मेहदी अल मुहनदीस और ईरानी वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फकरेजादे को शहीद बताकर इनके नामों का उल्लेख किया गया है। आखिर में इजरायली लोगों का कहा गया है कि वो बस अपने दिन गिनने शुरू कर दें। गौरतलब है कि दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास बम ब्लास्ट की सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO से पिछले एक महीने में दिल्ली आए सभी ईरानी नागरिकों के बारे में जानकारी मांगी है। साथ ही उन ईरानी नागरिकों की लिस्ट भी मांगी है जो पिछले काफी दिनों से भारत में रह रहे हैं। इजराइल दूतावास के पास कम तीव्रता के विस्फोट के बाद से ही देश की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। ब्लास्ट की घटना के बाद दिल्ली पुलिस शहर में रह रहे ईरानियों की तलाश कर रही है और कुछ से पूछताछ भी की जा रही है। जिन ईरानी नागरिकों के वीजा एक्सपायर हो गए हैं और फिर भी रुके हैं, उनको लेकर FRRO से डेटा लिया गया है। अब तक की जांच से पता चला है कि जब धमाका हुआ था तो उस इलाके में लगभग 45,000 मोबाइल नंबर एक्टिव थे। स्पेशल सेल की टीम घटना से जुड़े सबूतों को बरामद करने के लिए लगातार मौके पर पड़ताल कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटनास्थल से मिले पत्र में लिखी धमकी की लिखावट काफी साफ सुथरी है, जिसे किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं लिखा गया है। ये इस बात का संकेत देती है कि धमका पहले से की गई योजना के तहत किया गया है। अब यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ईरान इजराइल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ईरान तेजी से परमाणु हथियार बनाने पर काम कर रहा है, जो अमेरिका सहित दुनिया भर के देशों के लिए चिंता का विषय है। इस बीच 27 नवंबर 2020 को ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फकरेजादे की हत्या कर दी गई। ईरान ने आरोप लगाया कि इस हत्या के पीछे इजराइल का हाथ है। इजराइल ने ऐसा इसलिए किया है ताकि उसका परमाणु कार्यक्रम धीमा पड़ सके। हत्या को लेकर ईरान के अधिकारियों ने कहा कि फकरेजादे की हत्या सड़क के बीचों बीच मशीन गन से की गई थी। ईरान ने साफ शब्दों में इस हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इजराइल कुछ ऐसे देशों में शामिल है जिसके पास ईरान की धरती पर हमला करने की न केवल क्षमता है बल्कि वजह भी है। इसके साथ ही ईरान का कहना है कि इजराइल ने फकरेजादे की हत्या से पहले भी ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम से जुड़े करीब 4 वैज्ञानिकों को 2010 से 2012 के बीच मारा गया था। इस बात की संभावना भी जताई जाती है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ऐसा किया हो, क्योंकि कोई एक एजेंसी ऐसा नहीं कर सकती। यही दो एजेंसी इस तरह के ऑपरेशन चला सकती है। लेकिन मोहसिन फकरेजादे की हत्या से जुड़े ऐसे किसी भी दावे की इजराइल और अमेरिका ने पुष्टि नहीं की है। मोहसिन फकरेजादे की मौत से पहले जनवरी 2020 में ही जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ईरान बदले की आग में जल रहा है।
सुलेमानी की हत्या अमेरिकी ड्रोन हमले में हुई थी जब वो इराक के बगदाद गया हुआ था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जनरल सुलेमानी लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार थे, जिसके बाद ईरान ने बदला लेने की बात कही और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर कुछ मिसाइलें दाग दी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई ने कहा कि मुलजिमों से सख्त बदला लिया जाएगा। बाद में फिर अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान ऐसा कुछ करता है तो उसे जवाब मिलेगा। ईरान ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा तो वो इसराइल पर भी हमला कर सकता है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने तो यहां तक कहा कि वो अमेरिका और इसराइल की सरकार को अलग अलग करके नहीं बल्कि एक ही तरीके से देख रहा है। इसका जवाब देते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अगर ईरान ऐसा कुछ करता है तो इसराइल चुप नहीं बैठेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। चूंकि अमेरिका ईरान पर लंबे वक्त से दबाव की नीति अपनाए हुए है और इसराइल अमेरिका का दोस्त है, इसलिए वो भी ईरान के निशाने पर ही बना रहता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसराइल और ईरान ये दोनों ही देश भारत के दोस्त हैं। ऐसे में संकट भारत के सामने है, क्योंकि ना तो वो ईरान की नाराजगी मोल ले सकता है और ना ही इसराइल की। राजधानी दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के बाहर हुआ बम धमाका भारत के लिए इसराइल और ईरान से संबंधों की परीक्षा की घड़ी है। ये भारत के लिए इसलिए भी मुश्किल घड़ी है क्योंकि इसी हफ्ते ईरान के रक्षा मंत्री का भारत दौरा हो सकता है। दरअसल बेंगलुरु में बुधवार से एशिया का सबसे बड़ा एरो और डिफेंस शो शुरू होने वाला है, जिसमें ईरान के रक्षा मंत्री शिरकत कर सकते हैं। दूसरी तरफ चाबहार रेल प्रोजेक्ट के तहत चाबहार पोर्ट से ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर के नजदीक जाहिदान तक 628 किलोमीटर लंबे रेल लाइन का निर्माण होना है। भारत के लिए ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही अहम है। अभी पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान व्यापार के लिए रास्ता नहीं देता है। ये रेल प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के साथ ट्रेड के लिए ईरान के जरिए एक विश्वसनीय गलियारे की जरूरत को पूरा करने वाला है। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेहरान दौरे के वक्त इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकॉन और ईरानी रेलवे ने इस रेल लाइन को बनाने के लिए एमओयू पर दस्तखत किए थे। इसे भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया था। जहां तक बात इसराइल की है तो भारत और इसराइल की दोस्ती दुनिया भर की आंखों में खटकती है। भारत और इसराइल के सैन्य संबंध हाल के दिनों में काफी मजबूत हुए हैं। फिर चाहे टोही विमान हो या फिर MP5 राइफल्स, टेवोर गन हो या फिर बराक मिसाइल या सीमा सुरक्षा, इसराइल लगातार भारत का सहयोग कर रहा है। हाल ही में इसराइल के UAE और दूसरे खाड़ी देशों से दुश्मनी खत्म कर संबंध बनाए जाने में भारत की भी एक बड़ी भूमिका रही है। बता दें कि बम धमाके से एक दिन पहले ही यानी कि गुरुवार को ही भारतीय सेना को इसराइल की 6000 नेगेव लाइट मशीन गन मिली थी। मार्च 2020 में भारत ने फास्ट ट्रैक समझौते के तहत 16000 ऐसी LMG का सौदा किया था। गुरुवार को उसकी पहली खेप भारतीय सेना को मिली। साथ ही भारत में इसराइल के राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का ने इस पूरे मसले पर भारत पर विश्वास जताते हुए कहा कि ये हमला ऐसे वक्त पर किया गया जब दोनों देश अपने पूर्ण राजनयिक संबंधों की 29वीं सालगिरह मना रहे थे। स्पष्ट है कि इसको निशाना बनाते हुए संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन इससे दोनों देशों के आपसी सहयोग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे संबंध और सहयोग इससे और अधिक ताकतवर बनकर उभरेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा भारत की तरफ से दी जा रही सुरक्षा पर पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि इस घटना और उसके पीछे काम करने वाले लोगों का भी जल्द पता लगेगा। जो लिफाफा मिला है या धमकाने की जगह से जो भी निशान मिले हैं, वो सभी जांच का हिस्सा हैं। उन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में ईरान और इसराइल को लेकर भारत को बहुत ही सोच समझकर कदम उठाने होंगे, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भारत को बड़े ही कूटनीतिक ढंग से इसराइल और ईरान दोनों को अपने साथ लेकर चलना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।